क्या बनाया जाए पावर फॉर्म में भी इसका प्रोडक्ट
क्लाइमेट के प्रति इन दोनों से क्या रेजिस्टेंट है, ठीक है, क्लाइमेट के प्रति क्या रेजिस्टेंट है, ये दोनों चिली से कम टॉलरेंट है और चिली जो है टॉलरेंट है क्लाइमेट के प्रति, इन दोनों ग्रुप से अधिक टॉलरेंट है, ठीक है, अधिक टॉलरेंट है। जो किसी रोग में यानी जो मसाले वाली फसलें होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन से रोग का प्रोडक्शन किया जाता है, चिली का, ठीक है, चिली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। मिर्च जो है वो इंडिया में, मिर्च जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया पर है ग्रो की जाती है, एरिया पर सबसे ज्यादा एरिया पर ग्रो की जाती है। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा काफी होता है इंडिया में होता है, और कंज्यूमर यानी सबसे ज्यादा यूज काफी की जाती है मिर्च, इंडिया में भी सबसे ज्यादा मिर्च यूज की जाती है, ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें एरिया प्रोडक्शन और कंज्यूमर में मिर्च में तीनों में पहला स्थान है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि फ्रूट ड्रॉप की समस्या चिल्ली में क्यों आती है। फ्रूट ड्रॉप यानी रूट मैच्योर होने से पहले पौधे से क्या नीचे गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रूट ड्रॉप, ठीक है। फ्रूट ड्रॉप क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक होने पर क्या फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है, ठीक है, फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है। और फ्रूट ड्रॉप और पुअर फ्रूट सन, ठीक है, समस्या आती है इन चीजों में, क्या समस्या आती है कब, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक हो जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या है, जो फ्रूट ग्रोप है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी इफेक्ट इसमें पड़ने लग जाता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस में क्या इसका इफेक्ट पूरी तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि फ्रूट सन के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। फ्रूट सन के लिए Thank you.
जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके पहले उसके फ्लेवर और कलर के लिए क्या है, मिर्च की कौन सी कॉम्पोनेंट मिलाई जाती है, ओलियो रेसिन। ठीक है, ओलियो रेसिन। अब बात करते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च में क्या है, ग्रीन चिली में क्या होती है, ग्रीन चिली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, लुटीन। हरी मिर्च जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में लुटीन पाया जाता है। ठीक है, जो हरी मिर्च होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रोटीन पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें रेड कलर, मिर्च का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है। रेड कलर जो है वो कैप्सेसिन और कैप्सोलियोबिन। रेड कलर जो है वो किसके कारण से पाया जाता है, कैप्सेसिन और कैप्सुलेटिन और कैप्सुलेटिन के कारण क्या है, रेड कलर पाया जाता है। वो अपने बात करते हैं, अब अपने बात करते हैं येलो कलर। येलो कलर क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें ल्यूटीन, येलो कलर जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण होता है, ल्यूटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अपने बात करते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्यों पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया जो ग्रीन चिली होती है हरी मिर्च उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर आपको मैंने बताया कि उसका लाल कलर होता है उसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सेसिन और कैप्सोलियोबिन के कारण क्या है, उसका लाल कलर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया येलो कलर उसमें क्यों होता है, येलो कलर ल्यूटीन की उपस्थिति के कारण होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑरेंज कलर क्यों होता है, ऑरेंज कलर जो है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें थायमिन, ग्रीन चिली जो है, चिली जो है, चिली में क्या है थायमिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चिली में क्या है, चिली में क्या है थायमिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। थायमिन क्या है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और चिली में क्या पाया जाता है फाइबर। ठीक है, फाइबर इसमें कितना पाया जाता है, 6.8 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम में कितना फाइबर पाया जाता है, मिल्क में 6.8 ग्राम। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कैप्सेसिन का सूत्र क्या होता है, कैप्सेसिन का सूत्र क्या होता है, कैप्सेसिन का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कैप्सेसिन, फॉर्मूला ऑफ कैप्सेसिन, कैप्सेसिन का फॉर्मूला C40H56O3, C40H56O3 होता है। ठीक है, आप बात करते हैं कि जो मिर्च में कड़वापन, मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है। ठीक है, मिर्च में जो कड़वापन होता है, तीखापन होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अपने बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H5NO3। ठीक है, C5H5NO3 जो है कैप्साइसिन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे है, प्रोडक्टिविटी इंडिया में
सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में। अब करते हैं सबसे ज्यादा जो है ग्रोविंग, ग्रो कहाँ पे की जाती है, ग्रो सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है, आंध्र प्रदेश में ही, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में ही ग्रो की जाती है। इसमें जो रेनफेड होती है, जो रेनफेड जो सीजन होता है उसमें कौन सी क्रॉप कौन सी निकली जाती है, उसमें रेड चिली ली जाती है, ठीक है, रेड चिली या ड्राई चिली, ड्राई चिली यानी हरी मिर्च को खाने के बाद अगर आप उसे ड्राई चिली करें, ठीक है, ड्राई चिली रेनफेड में ली जाती है। जो साउथ इंडिया होता है उसमें मिर्च कब उगाई जाती है, जो साउथ इंडिया उसमें मिर्च कब उगाई जाती है, साउथ इंडिया में जून अक्टूबर में उगाई जाती है, साउथ अक्टूबर में, साउथ अक्टूबर में मिर्च कब उगाई जाती है, जून अक्टूबर, ठीक है, जून से अक्टूबर में क्या उगाई जाती है, ठीक है। जो अब इसमें कड़ापन होता है, एक से 1.5
रेशियो कम हो जाए।